नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। आई रुक करते आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर में जातीय हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। सीएम के निर्देश के बाद गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा सहित आला अधिकारी सहारनपुर में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 15 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। ब्रिटेन के शहर मैनचेस्टर में हुए फिदायन हमले के बाद अभी और आतंकी हमले की आशंका है। पीएम थेरेसा मे ने मैक्सिमम लेवल के खतरे को देखते हुए गंभीर चेतावनी जारी की है और सिक्योरिटी कड़े करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। देश में सभी प्रमुख जगहों पर आर्मी तैनात की गई है। जीप पर कश्मीरी युवक को बांधकर घुमाने वाले सेना के मेजर लीतुल गोगोई ने अपने इस कदम पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे सही बताया। गोगोई ने कहा कि जिस युवक को जीप के बोनट पर बांधा गया वो पथराव कर रही भीड़ का सरगना था। बता दें, मेजर गोगोई को इस मामले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दौरे के बाद सहारनपुर में हिंसा भड़क गई। कुछ नकाबपोश युवकों ने दलितों पर हमला बोल दिया। संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। बड़गांव, चंद्रपुरा और शबीरपुर के आसपास के गांवों में भारी तनाव है। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को पुलिस ने लंबी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर अयूब के खिलाफ लखनऊ के मड़ियांव थाने में बलात्कार और गलत इलाज कराकर हत्या किए जाने का मामला दर्ज है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत पुलिस से की। चांदनी चौक इलाके में आग लग जाने पर अलका लांबा दमकल की क्रेन पर चढ़ गई थी। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील उत्पादक देश बन गया है। हालांकि इसमें नंबर वन पर अभी भी चीन कायम है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम के नए आंकड़े जारी कर आज जानकारी दी है। अमेरिका के टॉप डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से अलग थलग करने में जुटने के साथ ही सीमा पार आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए अब पाक के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। भारत के पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाक को दी जाने वाली $190 मिलियन यानी करीब 1200 करोड़ रुपए की मदद में कटौती की है। उत्तर प्रदेश के बलिया में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के निर्देश पर जनपद पुलिस की स्वाट टीम और थाना अध्यक्षों ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रिपोर्टर राणा प्रताप सिंह के मुताबिक सभी अपराधियों के पास अवैध हथियार भी बरामद किए गए। बलिया में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी माँ को चाकू से गोद कर मौत के घाट सुला दिया। इस दौरान उसका छोटा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया जबकि आरोपी फरार है। यूपी के बलिया रेवती थाना क्षेत्र के माथिया के पास कुएं से निकली 2 अज्ञात लाशों से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने कहा कि दोनों को गोली मारकर हत्या की गई है और मौके से 5 पिस्टल के खोखे बरामद हुए हैं। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व चैंपियन इंडोनेशिया को 4-1 से हराकर सुधीरमन कप मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के नॉकआउट में पहुंचने की अपनी दावेदारी बरकरार रखी। बता दें, किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने बेहतरीन प्रदर्शन किया जबकि अनुभवी अश्विनी पोनप्पा ने सात्विक सैराज रॉन्की रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी के साथ मिक्स डबल्स और महिला डबल्स मुकाबले जीते। मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड 3री बार चैंपियन बनने का सेलिब्रेशन अमेरिका में भी हुआ। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के पूर्व चैंपियन और COO ट्रिपल एच ने तो इस जीत पर मुंबई इंडियंस को एक खास तोहफा भी भेजा है। ट्रिपल एच ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाले टीम को बधाई भी दी है। बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर रोजर मूर का कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। सर रोजर मूर 89 साल के थे। मूर 7 बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आए थे। बता दें कि उनके परिवार ने इसकी घोषणा करते हुए उनके ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। वह अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार इस मंच पर मिलेगा। सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हां, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान।
इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत